गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वैसे उसका बाद का जो चैप्टर है उसका नाम है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। तो जो क्रिया हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी काम हो रहा है वो उसे क्रिया कहा जाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्रिया विशेषण में और क्या आता है। तुमने इससे पहले क्रिया शब्दों के बारे में पढ़ा, जाना, खाना, पीना, दौड़ना आदि क्रिया शब्द हैं एक वाक्य में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था क्रिया के बारे में, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, ये सब क्रिया के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोनों बच्चे दौड़े, दौड़ने के भी कई तरीके हैं, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है। अब क्या वाक्य है, दोनों बच्चे सवेरे सवेरे घर के पास वाले मैदान में बहुत तेज दौड़े। तो दोनों बच्चे दौड़े, तो दौड़ना तो धीरे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तेज दौड़ा, ये भी हो सकता है ना। तो अब ये वाक्य देखो, दोनों बच्चे सवेरे से सवेरे घर के पास वाले मैदान में बहुत तेज तेज दौड़े। इस वाक्य में हमें क्रिया की चार विशेषताओं का पता चल रहा है। तो इस सेंटेंस में आपको पता ही होगा कौन सी चार विशेषताएं आई हैं। चार विशेषताओं के बारे में हमें पता चल रहा है, कौन सी। देखो पहली क्रिया का सवेरे सवेरे, तो सवेरे सवेरे क्या होगा, विशेषण होगा ना, ये इसकी विशेषता बताता है कि दौड़ना मतलब सवेरे सवेरे। तो एक क्रिया यहाँ पे हो रही है। दूसरी, पास वाले मैदान में, दौड़ तो रहा है पर कहाँ दौड़ रहा है, पास वाले मैदान में। तीसरी, कितनी हुई, बहुत। तो दौड़ना कैसा हुआ उसका, बहुत तेज। तो बहुत क्या बताता है हमें, विशेषता बताता है। और अंतिम, तो कैसे हुई, तेज तेज, तो तेज भी इसकी विशेषता बताता है। तो क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता बताता है वो शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया कब, कहां, कितनी और कैसे हुई और बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी क्रिया हो रही है वो कैसे हुई, कितनी हुई, क्यों हुई, ये इसके बारे में उसकी विशेषता या वो कैसे हुई वो बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतानी होगी, क्रिया ऑलरेडी मैंने अपनी पढ़ाई पता ही दिया है कि जो वाक्य क्रिया की विशेषता को बतानी होगी क्रिया विशेषण कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देखो, पिताजी ने रामू को मारा, यह वाक्य सुनकर तुम्हारे मन में पूरी बात जाने की इच्छा होती है। तुम और बातें जानने के लिए कुछ सवाल करते हो, ये सवालों के जवाब देखो। तो पिताजी ने रामू को मारा, तो आपको ये जैसे एक्साइटमेंट होगी ना कि रामू को क्यों मारा, क्या हुआ था, इस तरह से हम कहां मारा ऐसे सवाल पूछेंगे। तो जवाब में जो मिलेगा वो क्या होगा, क्रिया विशेषण। देखो जैसे कि कब, तो आज सवेरे, तो ये क्या बता रहा है, समय बता रहा है, तो समय भी हुआ क्रिया विशेषण। कहां मारा, तो कमरे में, तो कमरे में मारा, तो कमरा भी हुआ क्रिया विशेषण, ये जगह बता रहा है। फिर कैसे मारा, तो डंडे से मारा, तो यहाँ पे चीज के बारे में बता रहा है, वो होगा क्रिया विशेषण। फिर कितना मारा, तो बहुत मारा, तो यहाँ पे संख्या के बारे में आ रहा है ना। तो जो शब्द संख्या के, जगह के, ये सब के बारे में, क्रिया के बारे में बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। यहाँ जो जवाब है वो क्रिया विशेषण है। हम सारी क्रिया विशेषणों को मिलाकर एक वाक्य में सारी बातें बता सकते हैं। तो हम जितने भी क्रिया विशेषण हैं उनको एक वाक्य में भी लाकर मतलब बता सकते हैं। पिताजी ने आज सवेरे कमरे में चोरी करने पर रामू को डंडे से बहुत मारा। देखो यहाँ पे पिताजी ने मारा, तो कब मारा, आज सवेरे। तो यहाँ पे समय के बारे में हमें पता चल रहा है।
ना गाती तो है पर वो कैसा गाती है, अच्छा गाती है। तुम धीरे धीरे बोलो, तुम बोलो तो सही पर धीरे बोलो, तो यानी कि किस ढंग से क्रिया को करनी है या हो रहा कितनी तेज हो रही है, वो अच्छी है बुरी है, ये सारी चीजों के बारे में बताने वाली चीजों को क्या कहा जाता है, रीतिवाचक। फिर लास्ट वन है परिमाण।